नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। मनमोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अगर समय रहते हुए इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मानी होती तो 1984 में हुए दंगे को टाला जा सकता था। इसका मतलब साफ है कि सिख दंगे का दाग जो कांग्रेस के दामन पर लगा है, क्या आप उसे पार्टी नरसिम्हा राव के मथे पर मरना चाहती है? मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि गुजराल ने 1984 के सिख दंगों को रोकने के लिए सेना को तैनात करने की सलाह दी थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव ने उनकी इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया था। गुजराल ने सिख दंगा भड़कने की रात को गृह मंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात भी की थी। मनमोहन सिंह ने कहा कि इंद्र कुमार गुजराल सिख दंगे से पहले के माहौल को लेकर बेहद चिंतित थे और रात में तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव के पास गए थे। गुजराल ने नरसिम्हा राव को सलाह दी थी कि हालात बेहद गंभीर है, लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द सेना को बुलाना चाहिए और तैनात करना चाहिए। अगर गुजराल की सलाह को नरसिम्हा राव ने मान लिया होता तो 1984 का सिख नरसंहार टल सकता था। दरअसल पंजाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आतंकवाद के सफाई के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसी के चलते उनके नाराज सिख सुरक्षा कर्मियों ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी और इसके अगले रोज से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। सिख दंगों के बाद 19 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजीव गांधी ने बोट क्लब में इकट्ठा हुए लोगों के हुजूम के सामने कहा था कि हमें मालूम है कि लोगों के अंदर कितना क्रोध है, लेकिन जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती है। इस बयान के बाद सिख समुदाय में राजीव गांधी के प्रति काफी नाराजगी बढ़ी। ऐसा माना गया कि राजीव गांधी की दंगाइयों के प्रति हमदर्दी थी और उन्होंने सिख समुदाय के कत्लो गारत को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जिस रूप में लेना चाहिए था। राजीव गांधी के स्टेटमेंट सिख दंगा पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा लगा था। बीजेपी और अकाली दल जैसे कई विपक्षी पार्टियां आज भी अक्सर राजीव गांधी के इस बयान को कोट करते हैं और कांग्रेस के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 1984 का सिख दंगा कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 1984 दंगे के लिए सिख समुदाय से माफी भी मांग चुके हैं। इसके बावजूद दंगे का भूत कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में मनमोहन सिंह का गुजराल की जयंती के मौके पर सिख दंगों पर दिया गया बयान क्या इस दाग को नरसिम्हा राव के मथे पर मरने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।